हाय, मैं हूँ अमृता। मैं ज़ॉम्बीज का डोज लेके आई हूँ। जिन जिन को भी ज़ॉम्बीज मूवी पसंद है, मैं दो वीडियो रिलीज कर रही हूँ, ट्रेन टू बुसान और उसका पार्ट टू। ये मूवी साउथ कोरियन है और 2016 में रिलीज हुई थी और एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पे बेस्ड है। सो मूवी शुरू होती है तब हम एक हिरन को देखते हैं जिसे एक कार कुचल देती है और काफी बुरी तरीके से वो मारा जाता है। लेकिन थोड़ी देर में अजीब तरीके से वो उठता है, उसकी आंखें भी सफेद हुई थी और ऐसे अजीब तरीके से वो चलने लगता है। अब दोस्तों ये शॉट इधर ही कट होके हम अगले सीन में देखते हैं मूवी के प्रोटैगनिस्ट सियो वू को, जो एक डिवोर्सी फादर था। काफी फेमस कंपनी में वो फंड मैनेजर था। उसकी कंपनी अलग अलग क्लाइंट्स के पैसे शेयर्स में लगाती थी। उसे 4 या 5 साल की बेटी भी थी सू, लेकिन सिंगल पेरेंट होने के कारण वो उसे ठीक से संभाल नहीं पाता था और उसका कहीं ना कहीं गिल्ट उसे था। अब अगले ही दिन सू का बर्थडे था तो वो सियोक से अपने माँ से मिलने के लिए कहती है, जो बुसानी शहर में रहती थी और ये दोनों भी सोल में रहते थे। अब सू को उसके माँ से मिलना था, इसीलिए दोनों भी निकल पड़ते हैं। स्टेशन पे पहुँच जाते हैं बुसान की ट्रेन लेने के लिए। थोड़ी देर के बाद ही ट्रेन आती है, उसमें ये लोग बैठ जाते हैं। ट्रेन में हम बाकी यात्रियों को भी देखते हैं, जैसे कि एक कपल था सांगवा और उसकी पत्नी कियोंग। कियोंग प्रेग्नेंट थी। इसके अलावा हाई स्कूल के बास्केटबॉल की एक टीम थी जिसके ओनर थे योनसुक और उनके स्टूडेंट योंग और जिन थे। और इन्हीं में एक होमलेस पर्सन भी था जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी था। अब तो ये सारे लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन के दरवाजे जैसे ही बंद होने वाले थे तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। ये लड़की बहुत ही बुरी हालत में थी और वो इंजर्ड थी, उसके पैर में कुछ लगा था, मानो उसे किसी ने काटा है। कैसे तैसे डरते हुए वो ट्रेन में तो आती है, लेकिन देखते ही देखते वो पूरी तरीके से बदलने लगती है। उसकी आंखें सफेद होती है और इसे तड़पने लगती है और आखिरी में वो ज़ॉम्बी बन जाती है। और सबसे पहले वो फ्लाइट अटेंडेंट पे हमला करती है, उसे काटती है। देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी बनती है। ऐसे करते करते ये सारा इन्फेक्शन उस कंपार्टमेंट में फैलने लगता है। अब अपनी जान बचाने के लिए ये सारे लोग एक दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे वो ज़ॉम्बी नहीं होते। अब यहाँ पे टीवी पे न्यूज देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी आउटबर्स्ट हुआ है और पूरे देश में इसका इफेक्ट हो चुका है। यानी ऐसी कोई भी सेफ जगह नहीं थी जहाँ पे ये लोग ज़ॉम्बी से बच सकते थे। अब ये ट्रेन आकर डेजोंग नाम के स्टेशन पे रुक जाती है जहाँ ये सब बचकर भाग ही रहे होते हैं कि वहाँ पे सारे शहर के ज़ॉम्बीज इनके पीछे आने लगते हैं। अब ये भयानक नजारा देख के ये सारे लोग वापस बचने के लिए उसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाके छुप जाते हैं। यहाँ पे ट्रेन के जो कंडक्टर थे वो इस ट्रेन को बुसान की ओर लेके जाने लगते हैं, क्योंकि वही शायद से एक सेफ जगह थी जहाँ पे ज़ॉम्बीज नहीं है। लेकिन ज़ॉम्बीज के भगदड़ के कारण ये सब लोग अलग अलग ट्रेन के कंपार्टमेंट में चल जाते हैं। अब सीवू सैंगवाम और योंग सेफ रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में वो सियोन इनगिल और सियोंग से मिलते हैं और सब लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों किसी भी कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज हो सकते हैं, इसीलिए ये लोग पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए कई सारे ज़ॉम्बीज का सामना इनको करना पड़ता है, लेकिन कैसे तैसे ये लोग उनको मारते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फाइनली वो एक ऐसे डब्बे के पास आते हैं जो नॉन इन्फेक्टेड था एंड वहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो बास्केटबॉल टीम का जो ओनर था वो इन लोगों को डब्बे में लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसी के कारण बाकी के लोग भी उसके साथ मिलके इनको अंदर आने से रोकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ज़ॉम्बीज का झुंड इनके पीछे था। देखते ही देखते पीछे से ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। सैंगवो और इनगिल उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा थे कि बचने का कोई भी चांस नहीं था और वो दोनों भी अपनी जान गवा देते हैं। अब ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए कोई भी नहीं था। ये देख ये चारों कंपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं ताकि खुद को बचा सके। अब यहाँ पे वो ओनर इन चारों को एक जगह पे बंद कर देता है ताकि अगर इनमें इन्फेक्शन हो तो क्वारंटीन करने के कारण बाकी लोग इन्फेक्ट ना हो। लेकिन दोस्तों ये जो लोगों का कंपार्टमेंट था उसमें जोंगिल नाम की लड़की थी जो इस पूरे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के कारण काफी स्ट्रेस में थी, क्योंकि उसकी बहन ज़ॉम्बी बन गई थी और वो दरवाजे के उस पार ही थी। वो अभी एक इंसान नहीं थी, ज़ॉम्बी थी। लेकिन ये बात जोंगिल समझ नहीं पाती। वो काफी उदास थी और अपने बहन को मिस कर रही थी, इसीलिए रोते हुए वो ज़ॉम्बीज के पास जाती है ताकि वो अपने बहन को आखिरी बार देख सके। बहन को आखिरी बार देखने के चक्कर में वो कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल देती है और ये सारे ज़ॉम्बीज इसी कंपार्टमेंट में आ जाते हैं और देखते ही देखते सारे लोगों पे हमला करके उन्हें भी ज़ॉम्बीज बना देते हैं। अब दोस्तों इस पूरे ट्रेन में सिर्फ ही 4 ही पैसेंजर बच जाते हैं जो उस कंपार्टमेंट में लॉक हुए थे, और इनके अलावा योनसुक अपने आप को बाथरूम में कैद करके रखता है ताकि इनसे बच सके। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है
और सभी बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी ट्रेन ढूंढने लगते हैं, जिसमें सीओ गेहोंग सियोन और वो होमलेस आदमी योंग था, और जिनसे ये लोग अलग हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ इनके अभी भी पीछे पड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मतलबी ओनर अपनी जान बचाने के लिए उस अटेंडेंट को भी और उसके साथ साथ जिन को भी उन ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक देता है और उन दो बिचारों को ज़ॉम्बीज़ अपने चपेट में लेते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरी जगह देखते हैं, ट्रेन का जो कंडक्टर रहता है वो दूसरी ट्रेन को शुरू करके निकल पड़ता है, लेकिन वो खुद भी उन ज़ॉम्बीज़ के सामने हार मान जाता है और उनका शिकार बनता है। जो बास्केटबॉल टीम का ओनर रहता है जो सब इंसानों को मार रहा था वो बच जाता है। वो होमलेस इंसान टोन को उस चलती हुई गाड़ी में चढ़ाने की कोशिश करता है और उसी में वो अपनी जान दे बैठता है, लेकिन क्योंकि उस ट्रेन के अटेंडेंट को भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था वो खुद भी अभी ज़ॉम्बी बनता है। ओनर जैसे ही बाहर आता है वो सियोंग उसकी छोटी बच्ची और उस प्रेग्नेंट औरत को देखता है और उनके पीछे आने लगता है। सीओ को कैसे भी अपने बच्ची को बचाना था, वो कैसे तैसे उस ज़ॉम्बी से लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। अब सीओ को पता था उसके पास ज्यादा समय नहीं है, वो अपनी छोटी बच्ची को आखिरी अलविदा कहता है और उसे और उस प्रेग्नेंट लेडी को इंजन में बिठाता है और उस ज़ॉम्बी से काफी लड़ता है। उसके आखिरी पल में हम देखते हैं उसे सारे पल याद आते हैं कि कैसे उसने अपने बेटी के साथ समय बिताया था। जब वो पैदा हुई थी, जब वो छोटी थी, जब वो खेल रही थी, तो दूसरी जगह पे उसकी बच्ची भी काफी रोने लगती है क्योंकि उसके पिता अभी उसके साथ नहीं रहने वाले थे। बहुत ही इमोशनल सीन था ये। और सियोंग उस ट्रेन से कूद जाता है। अब दोस्तों इस पूरे शहर में सिर्फ दो ही लोगों ने ज़ॉम्बी से सरवाइव किया था, छोटी बच्ची और वो प्रेग्नेंट औरत। ट्रेन रुकने के बाद वो रोते हुए उस टनल के रास्ते में जाते हैं जहाँ पे टनल के उस पार इन ज़ॉम्बी से बचने के लिए सिपाही तैनात किए गए थे। अब टनल के अंधेरे से उन सिपाहियों को लगता है कि ये दोनों भी ज़ॉम्बीज़ हैं, इसीलिए वो उनके ऊपर गन तान के रखते हैं। लेकिन तभी सो वो गाना गाने लगती है जो वो अक्सर अपने पिता के लिए गाती थी। काफी रो रही थी और उसके उस आवाज से ही उन सिपाहियों को पता चल जाता है कि ये दोनों भी इंसान हैं और आर्मी के लोग उन्हें सेफली बचाते हैं। दोस्तों ये वायरस एक केमिकल कंपनी से आउटब्रेक हुआ था। दरअसल ये कंपनी एक डेडली वायरस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन उनकी फंडिंग अचानक से निकाल ली जाती है जिसके कारण इनके कंपनी में जो एक्सीडेंट हुआ था उसे रोकने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं होते और इसी तरह वो जो वायरस रहता है वो लीक हो जाता है। इस कंपनी की फंडिंग निकालने वाला और कोई नहीं बल्कि सियोंग था, क्योंकि वो एक फंड मैनेजर था, बड़े बड़े कंपनीज का वो फंड मैनेज करता था। लेकिन जब उसे पता चलता है ये कंपनी किसी वायरस के ऊपर काम कर रही है, वो फंडिंग निकाल लेता है। मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस हिरन को देखा था दरअसल वो भी इस वायरस का शिकार था। सो ये थी मूवी ट्रेन टू बुसान। इसका पार्ट टू भी मैं 10-15 मिनट में अपलोड करूंगी, सो स्टे ट्यून। तब तक के लिए बाय बाय।